असलम स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी सेफ एट योर होम्स ओके बच्चे आज हमने नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर फोर द टॉपिक इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग अपॉन एनजाइम एक्शन आज जो हमने बात करनी है वो है वो उन फैक्टर्स के बारे में वो फैक्टर्स जो कि एंज़ाइम की कंसंट्रेशन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं जैसे हम अपने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा कि किस तरह से एंजाइम जो हैं वो हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए और उसके अलावा हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए किस तरह से ज़रूरी है और उस लेक्चर में हमने बार बार ये बात की थी कि इस ये जो एंजाइम होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं किसी भी चीज़ का जो चेंज होता है किसी भी फैक्टर में जो चेंज होता है वो इन को जो है वो आप कह सकते हो कि इनकी एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकता है या फिर इनकी जो एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज भी करवा सकता है इफ़ेक्ट करता है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है तो आज जो हमने जो है वो इन लेक्चर्स में वही बात करनी है कि कौन से फैक्टर्स हैं और किस तरह से वो एंजाइम एक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की कि किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन किस तरह से एंजाइम रिएक्शन को या तो बूस्ट अप करती है या फिर उसको डिक्लाइन कर देती है तो वो कहता है कि चेंजिंग द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉन्सनट्रेशन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एनजाइम कैटलाइज रिएक्शन जब भी आप एंजाइम की या फिर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करवाते हैं तो ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है ये किस तरह से एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन को जो है वो इफ़ेक्ट करता है और बिल्कुल ऐसा ही है चाहे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे सबस्ट्रेट की कॉन्सनट्रेशन हो इंक्रीज़ करवाएंगे फिर भी इफेक्ट करेगी डिक्रीज़ करवाएंगे फिर भी इफेक्ट करेगी और ये इफेक्ट किस तरह से करती है ये अभी हम जब इनके सब टॉपिक्स पर जाते हैं तो हम उसको देखते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि आ, आपने इन फैक्टर्स को कंट्रोल करना हो कंट्रोलिंग दिज फैक्टर्स इन अ सेल इज़ इज़ वन वे दैट एन ऑर्गेनिज्म रेगुलेट्स इज एंजाइम एक्टिविटी एंड सो इट्स मेटाबॉलिज्म और इन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करना वो फैक्टर जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स को कंट्रोल करने से आप जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं और साथ साथ में जब एंजाइम की एक्ट एक्टिविटीज़ रेगुलेट हो जाएंगी तो आप कह सकते हो कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है जो आपके सेल में जितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो सारा रेगुलेट हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी में आपके सेल के अंदर होने वाला एक एक प्रोसेस आपके एंजाइम की वजह से जो है वो एक नॉर्मल रेट के ऊपर हो रहा होता है अगर एंजाइम्स ना हो लास्ट लेक्चर में भी बताया था अभी दोबारा से बता रही हूँ कि अगर ये एंजाइम्स ना हो तो ये जो हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन हैं हमारा मेटाबलिज़म और मेटाबोलिज्म में आगे दो पार्ट्स होते हैं कैटाबलिज़म एनाबलिज़म ये दोनों इतने स्मॉल रेट पर होंगे कि हमारी लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी ओके okay, बच्चों उसके बाद वो कहता है कि चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सट्रेट ओनली फैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ इट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर आगे उसने लिमिटिंग फैक्टर को डिस्क्राइब किया है इट इज़ अ फैक्टर दैट इज स्टॉपिंग अ रिएक्शन फ्रॉम प्रोसीडिंग एट अ हाई रेट लिमिटिंग फैक्टर जो होता है ना बेसिकली ये वो फैक्टर होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके फास्ट रेट पर जाने से उसको प्रिवेंट कर रहा होता है उसको बचा रहा होता है या फिर उसको रोक रहा होता है तो नॉर्मली आप अपने इन्वायरमेंट में भी देखें तो लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो आपकी ग्रोथ को एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में रोक नहीं रो मतलब उसमें रोक रहे होते हैं आपको नॉर्मली जो है वो ग्रो करने से बचा रहे होते हैं तो ये होता है लिमिटिंग फैक्टर तो कहते हैं आप अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं किसी भी सबस्टांस की कॉन्सनट्रेशन चेंज करते हैं तो वो किसी भी एनजाइम रिएक्शन के रेट को सिर्फ उस वक्त इफेक्ट करेगी जब वो एक लिमिटिंग फैक्टर होगा मतलब एक चीज़ है ऑलरेडी वो बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है तो उसको आप जो है वो अगर उसकी अमाउंट में थोड़ा बहुत उसमें डिक्रीज भी आ जाएगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसकी अमाउंट में इंक्रीज़ भी आ जाएगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ता तो so, जो लिमिटिंग फैक्टर होता है ना दैर इज़ अ क्रिटिकल लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है uh, उसके बाद वो कहता है इफ़ इट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर इनक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन अप टू अ पॉइंट आफ्टर विच एनी इंक्रीज विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन कि मैं आपको यहाँ से रीड कर करके दोबारा से जो है वो बता रही हूँ ताकि आपको जो लास्ट लेक्चर में आप बात कर रहे थे कि हमें जो है वो उसके लिखे हुए statements की समझ नहीं आती तो बच्चे आ, मैंने कोशिश की थी last lecture में भी जो है वो statement को read करके then उसको जो समझाऊँ लेकिन अभी भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ स्टेटमेंट को बिल्कुल ऐसे ऐसा बुक रीडिंग होती है वैसे ही स्टेटमेंट को रीड करके और फिर जो है हम उसकी बात करते हैं तो कहता है कि एक लिमिटिंग फैक्टर है आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और उसके बाद अब जो इसकी उसकी इतनी सी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है कि अब वो जो लिमिटिंग फैक्टर था अब वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा मतलब पहले एक चीज़ थी वो कम थी फिर आपने बढ़ा दी वो नॉर्मल लेवल पर आ गया अब वो एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा तो अब जो है उसकी अगर आप फर्दर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करवाएंगे तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन होगा उसकी स्पीड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अब वो एक लिमिटिंग फैक्टर क्ट नहीं रहा अब हमें कोई और लिमिटिंग फैक्टर तलाश करना है कि कोई और फैक्टर जिसकी वजह से रिएक्शन रेट जो था वो स्लो रेट पर हो रहा था उसके बाद कहते जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीज सिंस द सब विल गेट यूज्ड अप कहते हैं जैसे ही केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है मतलब आगे को चलता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्टार्टिंग पर Uh, आप कह लो कि ज़्यादा होता है उसका जो इनिशियल रिएक्शन रेट होता है ना वो वो फास्टेस्ट होता है उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरने के बाद एंजाइम भी यूज़ होने लग जाते हैं और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो भी आलमोस्ट यूज़ हो चुके होते हैं तो जो रिएक्शन का रेट होता है वो डिक्लाइन कर जाता है वो कम हो जाता है हाईएस्ट रेट कहाँ पर होता है जिसको वो होता है इनिशियल कॉन्सनट्रेशन रेट या फिर इनिशियल रिएक्शन रेट जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है और वो हाइस्ट होता है उसके बाद कहता है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो कम होने लग जाता है और किसी भी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में फॉर एक्सपे एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट एज आ किसी भी एंजाइम को एज एन एक्सपेरिमेंट आप उसको जो है वो करवा रहे हैं आपने जो है वो तमाम कंट्रोल कंडीशन दी हैं उसमें आप देखते हैं कि कोई एंजाइम किस तरह से जो है वो किसी भी आ, केमिकल रिएक्शन को इनक्रीज़ करवाता है तो उसमें वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में सबसे पहले एंजाइम का जो रेट होता है वो हाइस्ट होता है फिर उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो रिएक्शन रेट कम होता जाता है और फिर एक लास्ट टाइम ऐसा आता है जहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं क्योंकि उस वक्त तमाम सबस्ट्रेट यूज़ हो चुके होते हैं और आप कह लो कि आपका केमिकल रिएक्शन उस वक्त कम्प्लीट हो चुका होता है ओके okay, बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं कि किन चीज़ों की कॉन्सन्ट्रेशन जो है वो आ, जो है वो इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहले है एंजाइम कॉन्सनट्रेशन कहते जब आप एंजाइम की कॉन्सन्ट्रेशन इंक्रीज़ करवाते हो तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट वो केमिकल रिएक्शन जिसको एंजाइम कैटलाइज कर रहा था उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा लेकिन एक खास पॉइंट तक एक खास पॉइंट तक रिएक्शन भरने के बाद क्या होगा अब वो यहाँ पर रुक जाएगा स्टॉप हो जाएगा डिक्लाइन नहीं करेगा बल्कि स्टॉप हो जाएगा कैसे देखें फॉर एग्जांपल, आपके पास थे पहले फाइव सबस्ट्रेट चले टेन सबस्ट्रेट थे टेन सबस्ट्रेट थे लेकिन फाइव आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम थे तो एंजाइम कम थे सबस्ट्रेट ज़्यादा थे आपने क्या किया आपने एंजाइम की कॉन्सनट्रेशन बढ़ा दी पहले फ़ाइव थे आपने जो है वो फाइव और डाल दी आपने जो है वो थ्री और डाल दिए जितने भी चलें डाल दिए तो इंज़ाइम की सबस्ट्रेट इंजाइम की जो कॉन्सन्ट्रेशन थी वो बढ़ गई अब ज़्यादा इंजाइम होंगे ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी तो ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगी वो ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगी तो वो रिएक्शन जो पहले दो मिनट में हो रहा था अब वो एक मिनट में कम्प्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हुआ बढ़ गया लेकिन आपके पास सबस्ट्रेट थे टेन लेकिन वो कहता है कि फर्दर इंक्रीज इन्जाइम कॉन्सन्ट्रेशन वुड नॉट इफेक्ट अपॉन द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन कहता है जब आप एंजाइम कॉन्सन्ट्रेशन को मजीद बढ़ाएंगे तो उससे जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा देखें अभी हम दोबारा से बात करते हैं पहले थे आपके पास टेन सबस्ट्रेट आपके पास एंजाइम थे फाइव आपने एंजाइम की कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाई आपने फाइव और डाले वो फाइव जो रिमेनिंग फाइव सबस्ट्रेट थे उनके साथ बाइंड करके रिएक्शन का रेट हो गया फास्ट रिएक्शन हो गया कम्प्लीट उसके बाद कम्प्लीट ना भी हुआ उसके बाद वो कहता है कि आप जब मज़ीद एज़ाइम की कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ाइव मजीद ऐड कर दिए तो वो किसके साथ बाइंड करेंगे जब सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो इसका मतलब अब यहाँ पर पहले लिमिटिंग फैक्टर था एंजाइम अब लिमिटिंग फैक्टर हो गया सबस्ट्रेट तो अब जो है वो हमें अगर मजीद रिएक्शन रेट को बढ़ाना है तो हमें मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने पड़ेंगे तो मज़ीद एंजाइम की कॉन्सन्ट्रेशन को बढ़ाने से हमारे जो एंजाइम का एंज़ाइम का जो रिएक्शन रेट था वो नहीं बढ़ेगा आई होप आपको ये पॉइंट अब समझ आ गया होगा उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कि किस तरह से जो सबस्ट्रेट होते हैं वो आ, हमारे एंजाइम की जो रिएक्शन रेट होता है उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं तो कहते हैं जब आप सबस्ट्रेट की कॉन्सनट्रेशन बढ़ाते हो तब भी रिएक्शन रेट बढ़ता है फिर वही बात कहता है वो क्योंकि एक ख़ास लिमिट तक बढ़ता है कहता है आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करवाई जो रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो गया दिस इज़ बिकॉज मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल बी कोलाइडिंग विद दी एंजाइम मॉलिक्यूल्स सो मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म कहता है क्योंकि पहले आपने एंजाइम की कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाई थी क्योंकि सबस्ट्रेट ज़्यादा थे अब आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास उस पहले वाले एग्जाम्पल का ऑपोजिट कर लेते हैं पहले थे आपके पास फाइव सबस्ट्रेट और एंजाइम थे आपके पास आ, पहले आपके पास टेन सबस्ट्रेट थे एंजाइम थे आपके पास फ़ाइव लेकिन अब इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं इसमें जो है वो हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट हैं फाइव एंजाइम है टेन अब क्या हो गया सबस्ट्रेट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर अब हम सबस्टेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं जब हम सबस्टेट की कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाएंगे तो अब ये जो एंजाइम की एक्टिव साइड वो जो फ्री एंजाइम थे जो फाइव फ्री, फ्री पड़े हुए थे अब वो मजीद सबस्टेट के साथ बाइंड कर जाएंगे आपने मज़ीद फाइव सबस्टेट डाले वो रिमेनिंग जो फाइव एंजाइम थे उसके साथ बाइंड कर गए रिएक्शन का रेट जो था वो एक फिर से आप कह लो कि इंक्रीज़ हो गया लेकिन मजीद उसके बाद कहते हैं मज़ीद फाइव सबस्टेट ऐड करें फ़ाइव करें सिक्स करें सेवन करें उनके ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अब कोई एंजाइम अब कोई एक्टिव साइट जो है वो अवेलेबल नहीं रही तो पहले सबस्ट्रेट जो था वो एक लिमिटिंग फैक्टर था इस कंडीशन के लिए अब जो है वो एक एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर हो गया है इस कंडीशन के लिए तो ये दोनों कंडीशंस आपको आई होप समझ आ गई होंगी इसमें वो कहता है कि आपने जब एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में कहता है जब आप एंजाइम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं वो जाकर सबस्ट्रेट के साथ कोलाइड करेंगे कोलाइड करना होता है टकराना उसके साथ टकराएंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा ना फिर आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गए वो सबस्ट्रेट जो रिमेनिंग एंजाइम थी उसके साथ जाकर करेंगे रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा लेकिन यह भी एक स्पेसिफिक लिमिट तक उसके बाद चाहे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं आपका रिएक्शन रेट फास्ट नहीं होगा इसके लिए आपको न्यू एंजाइम ऐड करने पड़ेंगे और फिर आप न्यू एंजाइम ऐड करेंगे तो सबस्ट्रेट जो है एक स्पेसिफिक लेवल तक हो जाएगा फिर उसके बाद फिर भी रिएक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपको फिर से मजीद जो है वो ऑपोजिट उसका जो रिएक्टेंट होता है उसकी जरूरत पड़ जाएगी उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है कहते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल दैट मॉलिक्यूल प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करता है ठीक है मतलब मोशन मूवमेंट प्रोवाइड करने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो कहते हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके जो आपस में क्लीजनज होते हैं रैंडम कोलिजन के चांसेस वो बढ़ जाएंगे जब रैंडम कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो आप कह लोगे कि रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा जब रिएक्शन रेट बढ़ेगा ज़्यादा सारे एंजाइम्स जो होंगे वो ज़्यादा सारे जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं जो ज़्यादा सारे सबस्ट्रेट होते हैं उनको कैटलाइज करेंगे और उनको प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे उसके बाद कहता है लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंजाइम्स की जो है मूवमेंट बढ़ती जाएगी उनके जो कॉलिजन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो सबस्ट्रेट में जो प्रोडक्ट में चेंज होते जाएंगे उसके बाद वो कहता है कि लेकिन इसका ना टेम्परेचर बढ़ाने का आप कह लो कि एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है वो ये कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कनाडिक एनर्जी तो बढ़ेगी लेकिन उसके साथ साथ उन एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी मतलब ये कि मूव करना और एक ही जगह पर रुक के वाइब्रेट करना ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं तो पहले उनकी वाइब्रेशन कम थी लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोलिजन के साथ साथ उनका एक ही पॉइंट पर रहते हुए वा, वाइब्रेट करना होता है ना वो भी बढ़ जाएगा तो जब उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि वाइब्रेशन के भरने से जो उनके बॉन्ड्स होते हैं जो कि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उसके ऊपर एक स्ट्रेन आएगा स्ट्रेस आएगा जिसकी वजह से उन बॉन्ड के जो टूटने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो कहते हैं जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाएंगे ज़्यादा सारे जो बॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेन आएगा उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा वो वीक हो जाएंगे और वह टूटेंगे और इन टूटने वाले बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स शामिल होते हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते तो ये बॉन्ड्स होते हैं जो कि टूट जाएंगे और एज अ रिजल्ट जो है वो आपके एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डी हो जाएगा क्योंकि जब एंजाइम टूटेंगे और जो क्योंकि जब बॉन्ड टूटेंगे तो आपके एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है उसकी शेप में चेंज आ जाएगा जब एक्टिव साइड की शेप में चेंज आ जाएगा तो एक्टिव साइड में इतना उसकी शेप में चेंज आएगा कि अब वो सबस्ट्रेट जो है उस एक्टिव साइड को रेकोनाइज़ नहीं कर सकेगा उसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइड के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा और उसके बाद जब सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो फिर एंजाइम का फ़ायदा क्या और एंजाइम का स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि उस वक्त जो है एंजाइम का स्ट्रक्चर डी हो जाता है और उसके बाद अब वो काम करने के काबिल नहीं रहा उसके बाद कहता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे पहले एक एंजाइम डी नेचर हुआ दूसरा एंजाइम डी नेचर हुआ तीसरा एंजाइम डी नेचर हुआ ज़्यादा सारे एंजाइम्स जो हैं वो डी नेचर होते जाएंगे और उनकी जो एक्टिव साइट्स वो एक्टिव साइट जो पहले फ्लैक्सीबल थी जिनके ऊपर जो है थोड़ी बहुत फ्लैक्सीबल थी जिनके ऊपर सबस्ट्रेट आकर मिलता है और उसको जो है वो आप, आपस में वो जुड़ जाते हैं और वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है अब वो एक्टिव साइट की शेप में इतना चेंज आ गया है कि अब वो अपने सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लीमेंटेलिटी कॉम्प्लीमेंट कम्पली म्पलीमेंट्री नहीं रही कम्प्लीमेंट्री नहीं रही तो अब सब बाइंड नहीं करेगा तो रिएक्शन रेट जो है वो आ, रुकते रुकते बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कहता है इस पूरे रिएक्शन की समरी से हमें क्या इसकी पूरे रिएक्शन की क्या समरी है कि पहले आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ता जाएगा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा फिर एक ख़ास पॉइंट आएगा जहाँ पर जाकर आपके जो एंजाइम होते हैं उनका रेट बढ़ेगा नहीं बल्कि एक मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाएगा उसके बाद जब आप मज़ीद एंजाइम्स जो हैं मज़ीद आप टेम्परेचर बढ़ाने लग जाएंगे तो एंजाइम का जो रिएक्शन रेट होता है वो बढ़ने की बजाय उल्टा कम होने लग जाएगा और मज़ीद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो होता है वो उस एंजाइम के फंक्शन को ख़राब कर देगा और साथ साथ में उसके स्ट्रक्चर को भी डीनेचर कर देगा तो बच्चे अगर आप स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें ह्यूमन की बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दैट इज थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड तो बेसिकली ये जो हमारे हारमोन्स जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं ना वो तमाम जो है वो थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो जैसे ही अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर थर्टी सेवन से ऊपर या नीचे हो जाए तो इससे भी जो होता है वो हमारे एंजाइम डिनेचर हो जाते हैं इसी वजह से थोड़ा सा भी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज जा आ जाए तो फ़ौर से जो है वो हम हमारी कोशिश होती है कि फ़ौर से टेम्परेचर को जो है वो अपने एक नॉर्मल सेट पॉइंट तक लेके जाए हमारा हाइपोथैलेमस फ़ौरन से ये मैसेज भेजने लग जाता है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ पी एच एसिडिटी एंड बेसिसिटी पीएच क्या होती है ये होता है नेगेटिव लोगार्थम ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन और अगर कोई आपसे पीएच की एब्रीवेशन पूछता है कि पीएच की फुल फॉर्म क्या है पीएच एच इज एब्रिवेशन उसकी फुल फॉर्म होता है होती है दैट इज़ अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ठीक है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच की जो है वो फुल फॉर्म होती है और पीएच बेसिकली होता क्या है ये नेगेटिव लोगार्थम होता है हाइड्रोजन uh, की कॉन्सेंट्रेशन का और उसके बाद कहता है कि ये आप uh, किसी भी फ्लूइड की किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और साथ में बेसिडिटी दोनों को डिटामन कर रही होती है तो पीएच जो होती है वो मैयर करती है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एसल्यूशन कहते हैं ये एक्चुअली इट्स अ अयर ऑफ द हाइड्रोजन ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड देयर फोर अ गुड इंडिकेटर ऑफ द हाइड्रो ऑक्साइड ऑइन कॉन्सन्ट्रेशन कहते हाइड्रोजन ऑइन को भी डिटामन करती है हाइड्रो ऑक्साइड आयन को भी कर, जो करतीटामन uh, करती है हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड आइन के कॉन्सन्ट्रेशन को भी डिटामन करती है इसकी जो रेंज होती है वो वन से फोरटीन होती है मतलब मिनिमम वन मैक्मम फोरटीन पी एच हो सकती है उसके बाद और इसकी जो एक मिड पॉइंट होता, होता है वो सेवन होता है सेवन से नीचे वाली पी एच जो होती है वो आपके ऐसे डिक होती, होती है वो बेसिक होती है क्योंकि कोई सोल्यूशन में जितने ज्यादा हाइड्रोजन ऑइनस होंगे वो उतना ही एसिडिक होगा और जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रो ऑक्साइड्स आइन होंगे वो उतना ही बेसिक होगा तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन ऑइन्स होंगे वो उतना एसिडिक होगा लेकिन क्योंकि पी जो है वो नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का तो जितनी पी कम होगी उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन ऑइनस होंगे उतना ही सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा क्लियर है उसके बाद वो कहता है कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड्स आइन जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं विद हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स दैट होल्ड टुगेदर एन एनजाइम उसके बाद कहते हैं जो बेसिक सोलूशन होते हैं उनको अल्कलाइन सोलूशनस भी कहते हैं उनकी पी एच सेवन से ऊपर होती है जो एस्टिक सोल्यूशन होते हैं उनकी पी एच सेवन से कम होती है और जो सेवन वाले होते हैं उनको न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं या फिर उसको न्यूट्रल पी एच कहते हैं और उसके बाद की दोनों जो हैं वो हाइड्रोजन आइन्स हों चाहे हाइड्रोक्स आइन्स हों दोनों ही जो एनजाइम्स मलिक्यूल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं इन दोनों के ऊपर जो है वो अपना इफेक्ट शो करते हैं आप कह है लो कि इन दोनों के ऊपर

डिफ्रेंट एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम पीएच होती है ना वो डिफरेंट होती है टेम्परेचर में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है एंजाइम्स में होते हैं कि हर एंजाइम की स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है लेकिन जो पी होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है वो हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक पी होती है इवन आप अपने अपने डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें ना उसमें भी हर हर जो आपका ऑर्गन होता है उसकी पी उसमें मौजूद एंजाइम जो होते हैं वो डिफरेंट पी के ऊपर काम कर रहे होते हैं और आपके उस डाइजेस्टिव पार्ट में भी जो है वो पीएच को उस लेवल तक मेंटेन किया जाता है जिस जिसके ऊपर वो एंजाइम मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं उनकी पी डिफरेंट होती है और ये जो ये जो पी वैल्यू होती है ये उनमें मौजूद बॉन्ड्स को भी इन्फ्लुंस कर रही होती है उनमें मौजूद जो बॉन्ड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सन आइंस होते हैं ना हाइड्रोक्साइड आइन उन दोनों से इन्फ्लुंस उनका इन्फ्लुंस हो रहा होता है उन बॉन्ड्स के ऊपर एक्टिव साइट आपको फिर वही बात कर रहा है कि एक्टिव साइट जो होता है एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री होती है अपने सबस्ट्रेट के लिए अगर इसकी इसकी शेप में चेंज आ जाए तो ये जो होती है बाइंड नहीं कर सकती अपने सबस्ट्रेट के साथ उसके बाद कहता है कि कोई भी जो चेंज होता है पी में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए इनकी ऑप्टिमम वैल्यू से तो रिएक्शन रेट में डिक्रीज आ जाता है बिकॉज मोर ऑफ द मॉलिक्यूल विल हैव एक्टिव साइड्स दो शेप्स और नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप्स ऑफ देयर सबस्ट्रेट क्योंकि कहता हैं जब आप पीएच चेंज कर देंगे तो बहुत सारे एंजाइम ऐसे होंगे जिनकी एक्टिव साइट उस वक्त अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री uh, नहीं होगी उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहते हैं हमने कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं ये ग्राफ जो हैं वो शो करते हैं कि किस तरह से पी की जो वेरिएशन होती हैं वो किस तरह से किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको इन्फ्लेंस कर रहते हैं तो एनी पी एच दैट इज अबव और बिलो द ऑप्टिमम डू नॉट कॉज अ परमानेंट चेंज टू द दुख समाइम कहते हैं कुछ केसेस है, ऐसे होते हैं जहां पर पी एच में अगर कोई चेंज आ जाए पी एच लो हो जाए या पी एच ज्यादा हो जाए तो एंजाइम्स के एक्टिव साइड पे जो चेंज आता है वो फॉर्मनेट नहीं होता बल्कि वो आप कह लो कि वो टेम्प्रेरी होता है जैसे ही पीएच स्टोर होगी मतलब पीएच अपनी नॉर्मल वैल्यू पर जाएगी फ़ौरन से उस एक्टिव साइड का उस एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी रिफॉर्म कर जाएगा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा उसके अलावा कहते हैं कि जो एक्सट्रीम पी होती है ये लेकिन जब पी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है एक्स्ट्रीम वेरिएशन आ जाती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एनजाइम में जो चेंज आता है वो बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाता है फिर आप चाहे पीएच को नॉर्मल वैल्यू पर लेके जाएं, फिर आप चाहे कुछ भी करें फिर जो है वो एंजाइम अपनी आ, असली हालत में रिफॉर्म नहीं होता उस वक्त वो एंजाइम जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है उसके बाद इसमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि एक एंजाइम है जैसे कि पेप्सिन वो अब एक पीएच जो होती है ना पीएच एच टू जो होती है उसके ऊपर वो एक मैक्सिमम रेट के ऊपर काम कर रहा होता है लेकिन उसके बाद और ये पीएच हमारे स्टमक में पाई जाती है हमारे स्टमक का वो पार्ट जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच को भी सिक्रीट किया जाता है तो बच्चे यहाँ पर एक टर्म जो कि अगेन एंड अगेन यूज़ हो रही है दैट इज़ ऑप्टिम पी एच ऑप्टीमियम कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टीमियम टेम्परेचर ऑप्टिमम पी वो पी होती है जिसके ऊपर कोई भी एनजाइम बेस्ट रेट पर आप कह लो कि मैक्सीम रेट पर काम कर रहा होता है जैसे कि अभी हम इसकी बात करते हैं पेप्सिन की पेप्सिन की पीएच है टू इसका मतलब कि पेप्सिन की जो पीएच एच टू है ये वो पीएच है जिसके ऊपर ये एंजाइम अपने मैक्सिमम रेट पर जो है वो प्रोटीन्स की कैटेलाइ प्रोटीन्स का जो है ब्रेक डाउन कर रहा होता है उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात हुई है ऑप्टिमम टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई भी जो एंजाइम होता है वो अपने बेस्ट रेट पर अपने मैक्सिमम रेट पर काम कर रहा होता है तो इसके बाद अगर टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा या मज़ीद कम होगा तो ये एनजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होगा ये होती हैं ऑप्टिमम कंडीशंस किसी भी फैक्टर के लिए और ये थे वो फैक्टर्स वो किस तरह से जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं किस तरह से वो इफेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी आप कह लो कि कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी पीएच की किसी भी एंजाइम की जो आप कह लो कि जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं तो ये ग्राफ है जो कि डिफरेंट एनजाइम्स के ऊपर uh, इफेक्ट होने वाले फैक्टर्स को शो कर रहे हैं सबसे पहला है रेट ऑफ रिएक्शन एंड पी पीएच पी वो कहता है कि uh, पहले बढ़ाने से किसी भी एंजाइम की जो होती है वो कंसंट्रेशन बढ़ती है लेकिन ये अब ये एक एंजाइम की बात हो रही है मतलब कि एक एंजाइम है जिसकी ऑप्टिमम पीएच है टेन ठीक है अब वो टेन पीएच के ऊपर मैक्सिमम काम कर रहा है लेकिन जैसे ही जो है वो आप पीएच बढ़ा देंगे पीएच ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो उसके रिएक्शन में जो है वो रिएक्शन जो रेट होता है वो कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसका रिएक्शन रेट बिल्कुल जो है वो बेस पर चला जाएगा यानी कि ख़त्म हो जाएगा ये किसी एक एंजाइम की बात हो रही है उसके बाद हम बात करते हैं कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करती है तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो था सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी कम थी फिर आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाई रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सबस्ट्रेट की कॉन्सनट्रेशन बेशक बढ़ाते जाएं लेकिन रेट ऑफ़ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा और ये लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी सीधी लाइन का मतलब ये है कि बेशक बढ़ाते जाओ जितने मर्जी सबस्ट्रेट एनजाइम का जो रेट है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं बढ़ेगा उसके बाद आ जाए ज़रा थर्ड के ऊपर इसमें टेम्परेचर है और उसके बाद जो है वो बात कर रहा है कि रेट है तो अभी मैंने बात की कि हम ह्यूमन अगर एंजाइम की बात करें ह्यूमन एंजाइम्स जो होते हैं वो थर्टी सेवन के ऊपर काम करते हैं बेस्ट रेट पर तो यहाँ पर उसने जो एग्जांपल ली है वो भी एक ह्यूमन एंजाइम uh, की ही है कि पहले टेम्परेचर कम था रेट ऑफ रिएक्शन भी कम था आप जो है वो जब आपने टेम्परेचर uh, बढ़ाते गए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया थर्टी सेवन पर जाकर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम था दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम उसके बाद मज़ीद बढ़ाने से मज़ीद आप जितना मर्ज़ी टेम्परेचर बढ़ाते जाएं एंजाइम जो होते हैं उनकी एक्टिविटी में डिक्लाइन आने लग जाता है आप कह लो कि वो कम होने लग जाती है और एक वक्त ऐसा आएगा जब एंजाइम बिल्कुल डीनेचर हो जाएंगे और इनकी एक्टिविटी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगी अब देखें उसके बाद बात करते हैं हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये है कि आप जितना जितनी ज्यादा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे एंजाइम का रिएक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता आप भी जो है वो सब स्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन की जो ग्राफ है ना वही आपको एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में ही बनाना चाहिए कि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से भी रिएक्शन रेट जो है वो एक खास लिमिट तक जाए

इसका सबस्टेट होता है पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि प्रोटीन्स इसकी जो ऑप्टिमम पी एच होती है वन पॉइंट फाइव से टू मतलब इस वन पॉइंट फाइव से कम ना हो टू से ज़्यादा ना हो और ये स्टमिक में पाया जाता है सुक्रेज एंजाइम है उसका जो आप कह लो सबस्टेट होता है वो सुक्रोज होता है मतलब ये कि वो सुक्रोज के साथ बाइंड करता है और उसकी ब्रेक डाउन करता है उसको स्मॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज करता है और इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है सिक्स पॉइंट टू और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है माइलेज जिसकी जो है वो ये अमाईलोज़ के ऊपर काम करता है उसकी ब्रेक डाउन करता है और ये जो ये भी आप कह लो कि कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं और ये भी सिक्स पॉइंट सेवन से सेवन पॉइंट जीरो इसकी ऑफ्टीम पीएच होती है और ये पेंक्रियाज़ में पाया जाता है उसके बाद इसी तरह है यूरीज़ यूरीज़ का जो सबस्टेट होता है वो होता है यूरिया मतलब क्या है इस बात का कि ये यूरिया की ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद ये भी होता है सेवन पॉइंट ज़ीरो और ये लिवर में पाया जाता है उसके बाद है ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन अच्छा इसमें यूरिया का काम जो होता है ना वो एमोनिया को यूरिया भी में भी कन्वर्ट करना हो सकता है ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो है वो ये भी पेप्टाइड बॉन्ड को ही आप कह लोगे उनकी ही ब्रेक डाउन करता है इसकी जो ऑप्टिमम पी एच होती है दैट इज़ सेवन पॉइंट सेवन टू एट पॉइंट जीरो और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है उसके बाद लाइपेज लाइपेज जो होते हैं ये लिपिड्स के ऊपर असर होते हैं और ये पाए कहाँ पर इनकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो एट पॉइंट जीरो और ये पेंक्रियाज में पाए जाते हैं अब इस एग्जांपल में आप ये देख लें इस टेबल में आप ये देखें कि जो एंजाइम्स होते हैं इनका अगर आप देखें उसमें देखें ना ये जो आप नॉर्मल क्लेचर का जरूल था कि एज लगा दिया जाता है तो इसमें जो है वो ट्रिप्सिन और पेप्सिन के अलावा बाकी एंजाइम्स के आगे एज लगा है वो जो कि इनके सबस्ट्रेट को ज़ाहिर कर रहे हैं फिर उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि नॉमन क्लेचर में एक और भी रूल आता है जिसमें हम ऐज़ को फॉलो नहीं करते हम सोफिक्स एज नहीं लगाते बल्कि किसी और तरीके से जो है वो एंजाइम्स को नेम देते हैं तो ये पैप्सिन और ट्रिप्सिन उसको भी जो है वो बता रहा है साथ में इसकी लोकेशन भी है कि जहाँ पर जो पार्ट आपकी जो डाइट का डाइजेस्ट होता है वहाँ पर ही ये एंजाइम लोकेटेड होते हैं तो बच्चे डैट वॉज ऑल अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो you know, इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन जाते जाते ये एक और जो है वो डायग्राम देखते जाएं ये वही बात है थर्टी सेवन ऑप्शिम टेम्परेचर है और ये रेट ऑफ रिएक्शन इसमें कुछ नया नहीं है कि वो जो पहले मैंने बता दिया है ये वही बातें ओके okay, बच्चे थैंक यू सो मच